कैसे जानती हो तुम इनको? फेसबुक से। आवाज ऊंचा करके बोलना। कैसे जानती हो? फेसबुक से। फेसबुक से तुमको प्यार हुआ था? मैम पहले से था जान पहचान, जैसे आम आदमी रहता उसी टाइप का, बस फेसबुक में मतलब हाय हेलो भेजे थे तो उसी थ्रू से जान पहचान हुआ था। पहले तो जहाँ जॉब करते थे वहाँ पे ये एक दिन आए थे किसी का बाइक लेके। तुम पहले से शादीशुदा थी? जी। पहले से शादीशुदा थी? जी। उसके बाद फेसबुक से तुमको प्यार हुआ, फिर इससे शादी की? जी। शादी कैसे की थी? शादी हम लोग का मुस्लिम धर्म से हुआ था। पहला पति को डिवोर्स दी थी? जी मैम, पहला हस्बैंड से यही डिवोर्स कराएं। उसके बाद बच्चा नहीं हो, दूध नहीं पी रही हो नेपाल से कि यही करवाएं? तुम्हारा मन था तब ना तुमकी? जी मैम, ये वर्ड को गलत मत यूज करना, जो पूछेंगे एकदम सही बोला। किसी का हम कोई हमको नहीं लाता है, सच को हम सामने लाते हैं और जो सही रहता है वही हम करते हैं। एक तरफा पक्ष हम कभी नहीं देखते हैं। जब तुम्हारा पहले से तुम शादीशुदा थी, तुम्हारे पति थे, तुम दोनों साथ में रह रही, तुमको इससे प्यार हो गया, फिर इससे शादी तुम की डिवोर्स देके, तो अब क्या दिक्कत हो रहा है इसको? मैम दिक्कत कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक था। ये मतलब पिछला साल 2023 में मतलब हमको बोले कि घर बनने तो घर लेके जाएंगे, और यहाँ लाने से पहले एक लेडीज़ के अफेयर में ये फंस गए। वो दो तीन बच्चा या चार बच्चा उसका, उसी से एक दिन ये मेरे घर में थे रात में, तो इस मतलब उस बीच में फ़ोन आया तो हम रिसीव किए, ये बाथरूम में थे, वहाँ से दौड़ के आए और फिर फ़ोन लिए मेरा, बोले तुम किसका फ़ोन उठाई है? तो हम बात किए, वो लेडीज़ का उसी टाइम नंबर भी निकाले थे, तो वो लेडीज़ क्या बोल रही कि हम उसका गर्लफ्रेंड है। हम बोले गर्लफ्रेंड है, हम उसका वाइफ है। बोरी हमको कुछ नहीं पता कि वो शादीशुदा भी है। उसके बाद हम लेडीज़ को बहुत समझाएं, उन्हें मानी, बोरी अपना हस्बैंड को समझाइए, और ये हमको उसी टाइम से मार पीट गाली गलौज और पूरा इग्नोर करने लगे। घर में आते नहीं थे, यहाँ बोलते थे अपनी बहन लोग को कि मतलब हम शादी में जा रहे हैं, और मेरे पास भी नहीं लेडीज़ का नंबर है तुम्हारे पास? जी है। फोन लगा रहे मेरे मोबाइल से, ये जो बोली है सच बोली है? नहीं नहीं, बहुत सा मेरा मोबाइल में नंबर उम्बर कॉलेज उलेज कर रहता था ना, बहुत सा है दोस्त यार, किसी को भी निकाल कर फोन करके तो गाली गलौज फलाने ढकाने, तो अगला भी कोई बग दिया होगा। अब मेरा किसी से कोई फालतू का चक्कर उक्कर नहीं है, ठीक है? काहे जब रहता तो हम काहे इसको रखते हैं? सीधा आप जानते थे कि शादी शुदा, फिर आपको कैसे इससे शादी की? हमसे बोली कि कर लो और फिर अपने घर में तुम रहोगे, हम अपने घर में रहेंगे, कोई आपत्ति नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ मैटर नहीं होगा, बस इसी मसला से हो गया। हम तो जब आप शादी कर लिए डिवोर्स दिलवा के, तो फिर दोनों आप दोनों एक तरफ से क्यों नहीं रह रहे? मामला में हम कोई इन्वॉल्व नहीं है ना, ये खुद से डिवोर्स दी है ये का कि नहीं, कि हमको अभी तक कुछ इन्फॉर्म भी नहीं है, जो बात है क्लियर, अभी तक इन्फॉर्म नहीं। कितना दिन से साल साथ रह रहे हैं? एक साल मतलब शादी उदी और प्यार कितना दिन से पहले से जान तो रहे थे? तीन चार साल से चल रहे थे। अच्छा, क्या ऐसा समस्या हो गया कि ये परेशान है या आप परेशान? पता नहीं, उससे पूछिए। हम कहने का मतलब एक रूम है, इसमें माँ भी रहती है और बहन भी रहती है, कभी आ गए तो क्या क्या परेशानी है? हम बोले रेंट में कहीं चलते हैं, अपना सेपरेट रहेंगे। हम बोले जहाँ रेंट में रहते तो वहीं चलो, अपना साइड में रहेंगे, एक घर में कैसे रहेंगे? इतना बड़ा घर में क्या हमको प्रॉब्लम है ना? प्राइवेट रूम है, बातचीत भी है, बहुत सारा चीज़ है, तो माँ भी है, कभी मेहमान भी आ जाए, कोई बहन भी आ जाए, तो इस टाइप का बात है। तो ये बोलती अब नहीं जाएंगे। क्यों रेंट में जाएगी ये? तो यहाँ पे एडजस्ट नहीं ना हो रहा, ऊपर नहीं हो जाएगी, मेरी माँ कहाँ रहेगी? वो आप समझिएगा ना, माँ से पूछ के शादी की थी, माँ से पूछ के सोए थे इसके साथ। सुनिए ना, माँ से आप पूछे थे? पहले मेरी बात सुनिए, आप अपनी माँ से पूछे थे कि हम इसके साथ सो रहे हैं चार साल से, इसको हम नहीं रखेंगे? हम इसको यहाँ, आपकी जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी है कि हम इसको रखें, हम इसको हर चीज, तो मेरी जिम्मेदारी कि हम रेंट में रखें, मेरा कि इस घर में कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी माँ बोल रही है कि आप इसके पति से छड़वा के शादी किए हैं, और मारपीट का बात रहा, आज के बाद तो कभी मारपीट आप करिएगा नहीं। और तुम उस लड़की का नंबर दो, ला मोबाइल ला, लड़की का नंबर दो। अरे नहीं, फालतू का किसी को इन्वॉल्व कर देगा तो सादा साहब है, उसका सामने वो लड़की पकड़ाई थी, पहले वो लड़की बोली कुंवारा है, जब ये सदर साहब को हम फोन किए क्योंकि पेपर इनके यहाँ गया था, उसके बाद ये तब पता चला कि ये सदर साहब का कोई दोस्त का मामी है, और कहा बोला कि तुम उससे छुड़वाएगी, तुम शादी करेंगे, तुमको तलाक देके, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। आप बात कर लीजिए वो लड़की से।